दैट इज अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वन माइनस वन अपॉन वन, दैट इज ए आर, वन माइनस वन अपॉन वन इज वन ओनली, ए आर इंटू जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, तो एम आर की वैल्यू हो गई जीरो. क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ सकता है कि अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, अगर ED इक्वल टू वन है तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, क्यों, अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा. देखो जब इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वन तो एम आर जीरो है, एम आर जीरो होता है तो टी आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट. तो हम कहेंगे जी टी आर इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट कहाँ पे,